दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं Redmi की एक और नई नोट लाइनअप फ़ोन के बारे में, जिसका नाम है Redmi Note 20 Pro Max, जिसका कि कुछ लीक और र्यूमर लीक होके आ चुका है Xiaomi की तरफ से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं Redmi Note 20 Pro Max के बारे में। इसका भी नाम भी काफ़ी बड़ा है और इसके साथ आपको इसमें कमाल की फीचर भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन की डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो बैक में आपको ग्लास का बैक मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है, और इसके साथ आपको स्क्वायर शेप में आपको क्वाड रियर कैमरा और इसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फोन की अगर स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन में आपको स्क्रीन में आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है, जो कि रेडमी की तरफ से नोट लाइनअप में पहली बार है जिसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा। और आगे और पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और इसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और इसके साथ आपको 120 GHz के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आएगा। ये Redmi इस बार नोट लाइनअप के साथ काफ़ी कमाल का फीचर और काफ़ी क्रेजी पन लाने वाला है। तो दोस्तों इस फोन की अगर प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको MediaTek का हीलियो Dimensity 1000 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, और इसके साथ ये फ़ोन 5G के साथ आएगा। और इसके बाद इस फ़ोन की अगर रियर कैमरा के बारे में बात करते हैं तो रियर में भी कैमरा में भी ये फ़ोन काफ़ी कमाल किए हुए है, जिसमें कि आपको मेन लेंस आपको 108 मेगापिक्सल का मेन लेंस के साथ ये फ़ोन आता है, और इसके साथ आपको 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 16 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग लेंस और 5 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में। और इसके बाद दोस्तों इस फ़ोन की अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सेल्फी में आपको पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ ये फ़ोन आता है, जिसमें कि आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे कि आप वीडियो कॉलिंग और सेल्फी ले सकते हैं। और इस फ़ोन में आपको 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। और इसके साथ इस फोन में आपको टाइप सी पोर्ट और हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल, IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन के साथ ये फ़ोन आता है। और इसके साथ इस फोन की अगर रैम रेट के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6 GB RAM, 8 GB RAM और 12 GB RAM के साथ ये फ़ोन आएगा। और इसके साथ स्टोरेज में आपको 128 GB और 256 GB के साथ स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है। और इस फ़ोन में आपको ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ ये फ़ोन आएगा, जो कि Redmi के नोट लाइनअप पे ये भी पहली बार होने वाला है, जिसमें कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं 512 GB तक। और इसके साथ इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड का 11 देखने को मिल जाएगा, जो कि ये भी कमाल का बात है। लेटेस्ट एंड्रॉयड सिस्टम भी आपको मिल जाएगा और MIUI 12 के साथ ये फ़ोन आएगा। और इसके साथ इस फ़ोन की अगर बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग भी बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 35 वाट का फास्ट चार्जिंग दोस्तों बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ इस फोन के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन में आपको कमाल का फीचर मिल रहा है, तो इसका प्राइस भी दोस्तों काफ़ी कमाल का होगा। इसी के लिए इस फोन का प्राइस आपको 18 से 17-18 के बीच होने वाला है, और इस फोन की लॉन्च डेट आपको जनवरी के महीने में 2021 में इंडिया में लॉन्च होगा, और दिसंबर में आपको चाइना में 2020 में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। आपको ये फ़ोन के बारे में क्या है कहना, ये फ़ीचर आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपको फ़ीचर अच्छा लगता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।